दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों अगर आज भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में बात करें तो सबके मन में सबसे पहला नाम नरेंद्र मोदी का आता है। भारत को चलाने वाले प्रधानमंत्री एक ऐसी कुर्सी पर बैठते हैं जो अगर चाहे तो एक झटके में पूरे देश की काया पलट सकते हैं, लेकिन जब बात इनकी जिंदगी की आती है, और ये बात हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन इसके अलावा इनकी जिंदगी का क्या सच है और किस तरह ये यहाँ तक पहुंचे, इन सभी चीजों के बारे में आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति बताने वाला हूँ, जो आपको नरेंद्र मोदी की जिंदगी के उन रहस्यों के बारे में बताएगा जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। 17 सितंबर 1950 के दिन गुजरात के वादनगर में दामोदर दास मूलचंद और हीराबेन के घर पर एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम दामोदर दास मोदी रखा गया। लेकिन तब किसे पता था कि आगे चलकर ये पूरे भारत की सत्ता संभालने वाले हैं। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आजादी के बाद पैदा हुए हैं। 1958 में दिवाली के दिन गुजरात में कुछ बच्चों ने बाल स्वयं सेवक की शपथ ली थी, जिनमें से एक 8 साल का बच्चा नरेंद्र मोदी भी था। आप मोदी की शानदार पर्सनैलिटी तो देखते ही हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है ये बचपन से ही एक्टिंग और नाटक के दीवाने थे, जो स्कूल लेवल में कई सारे ड्रामा में भाग लेते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एनसीसी में भी शामिल थे। पर इनकी जिंदगी का सबसे हैरान करने वाला सच ये है कि ये गुजरात के वादनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, और इसलिए लोग कहते हैं कि एक चाय बेचने वाला आज भारत का प्रधानमंत्री है। बचपन से ही नरेंद्र मोदी को खतरों से खेलने का बड़ा शौक था, तभी तो ये एक दिन अपने घर के पास वाले तालाब से मगरमच्छ पकड़ लाए थे। लेकिन इनके हाथों में मगरमच्छ देखकर इनकी माँ बहुत ही ज्यादा डर गई, जिसके बाद इन्हें उसे वापस तालाब में छोड़ना पड़ा। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी का विवाह 18 साल की उम्र में हो गया, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही मोदी जी ने घर छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला कर लिया। उनकी पत्नी का नाम जशोदा बेन था। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स किया था। मोदी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जहां इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए की है। मोदी कोई भी नया काम करने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं और स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं। मोदी पूरी तरह से शाकाहारी और सिगरेट शराब जैसी नशीली चीजों को हाथ भी नहीं लगाते। जब नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी माँ ने उनसे कहा था कि बेटा कभी भी रिश्वत ना लेना, और वो आज भी इस बात को मान रखते हैं। मोदी लगातार काम करने की वजह से प्रसिद्ध है, तभी तो गुजरात में अपने 13 साल के शासन में इन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे, तब वहां पर सारे छोटे काम करते थे, जैसे साफ सफाई, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोने भी शामिल है। आरएसएस के प्रचारक दाढ़ी नहीं रखते, लेकिन मोदी दाढ़ी रखते थे। उन्हें शुरू से ही दाढ़ी रखना पसंद था। 1975 में आपातकाल के दौरान आरएसएस जैसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसमें मोदी सरदार का भेष बदलकर रहते थे। बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कितना कमाता है, तो दोस्तों आपको बता दें, नरेंद्र मोदी की 1 साल की सैलरी 19 लाख रुपए है। भारत के कई लोगों के विरोध के कारण साल 2004 से 2013 तक अमेरिका ने मोदी को वीजा नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, अमेरिका ने खुद मोदी को बुलावा दिया, और जब वो अमेरिका गए तो उनका पूरा आदर सम्मान किया गया। मोदी को कई तकनीकी चीजों का शौक है, तभी तो 2014 के लोकसभा इलेक्शन में सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने 3D तकनीक का इस्तेमाल करके भाषण दिया था। नरेंद्र मोदी कई बार ये बात बता चुके हैं कि वो सिर्फ 5 घंटे की नींद लेते हैं और सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। नरेंद्र मोदी के हाथों में पहने जाने वाली घड़ी कोई मामूली घड़ी नहीं है, बल्कि स्विट्जरलैंड के फेमस ब्रांड मोवाडो की घड़ी पहनते हैं। एक घड़ी की कीमत है 39,000 से 1,90,000 तक। आपको जानकर हैरानी होगी, प्रधानमंत्री जी उल्टी घड़ी पहनते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये उनका लकी चार्म है। मोदी जी जर्मनी के फेमस ब्रांड माउंट ब्लैंक का पेन इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें, माउंट ब्लैंक यूएस की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी का नाम है। अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा, दलाई लामा, वॉरेन बुफेट से लेकर कई सारे पावरफुल लोग इस कलम का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई छोटा मोटा पेन नहीं है, इसकी कीमत 1.5 लाख के आसपास है। नरेंद्र मोदी की आंखों में आप जो चश्मा देखते हैं, वो भी कोई मामूली नहीं है, बल्कि इनका चश्मा इटली का नंबर 1 ब्रांड
बबलगिरी का होता है। बबलगिरी का मुख्य काम ज्वेलरी बनाने का है, लेकिन अब ये कंपनी घड़ियां, परफ्यूम और होटल बिजनेस में भी अपने पैर जमा चुकी है। इस कंपनी के चश्मे 30 से 40 हजार में मिलते हैं। अब आप समझ रहे होंगे इनके चश्मे कितने ज्यादा हाई प्रोफाइल है। अगर मोदी जी के कपड़ों के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी के कपड़ों को लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, जहां इनके द्वारा पहने गए कपड़े चर्चाओं का विषय बन जाते हैं। लेकिन अगर हम इनके कपड़ों के बारे में बात करें तो दोस्तों इनके कपड़े विपिन और जितेंद्र चौहान की दुकान पर सिले जाते हैं, और ये कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है, बल्कि इन दोनों की अहमदाबाद में एक जेड ब्लू नाम की 150 करोड़ की कंपनी है। 1989 के बाद से ही नरेंद्र मोदी अपने कपड़े यहीं से सिलवाते आ रहे हैं, और आज नरेंद्र मोदी की वजह से इनका बिजनेस आसमान छू रहा है। पर नरेंद्र मोदी की सबसे खास बात यह है कि खुद ही अपने कपड़ों का फैब्रिक, कलर और डिजाइन सेलेक्ट करते हैं, और फिर इनकी पसंद के हिसाब से कपड़े बनकर तैयार होते हैं, जिनकी कीमत हजारों लाखों में होती है। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि नरेंद्र मोदी किस तरह की जिंदगी जीते हैं और ये किस तरह के इंसान हैं। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि नरेंद्र मोदी के इतने लंबे चौड़े खर्चे का हिसाब कौन देता होगा। तो दोस्तों, जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी की सैलरी है, उसे देखकर तो नहीं लगता कि ये खुद इतनी भारी भरकम खर्चा उठाते होंगे। लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि नरेंद्र मोदी खुद ही अपनी पर्सनल चीजों के जिम्मेदार होते हैं। अब आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।